वेलकम टू द मलिक्स किचन वर्ल्ड। ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है और ये पार्टी हो रही है। इस पार्टी का बंदोबस्त मेरी कजन सिस्टर ने किया है अपनी सालगिरह के मौके पर। हम उनको मुबारकबाद देते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। और इस सिलसिले में बारबेक्यू का अरेंजमेंट है और ये चिकन टिक्का बन रही है। तो आइए चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि चिकन टिक्का कैसे बनाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जुबैर है। हमारे यूट्यूब के ऊपर कुकिंग चैनल चलता है मलिक्स किचन के नाम से। हम ये पूछना चाहेंगे कि ये आपने जो चिकन टिक्का बना रहे हैं, इसमें क्या क्या मसाले डाले हैं और ताकि ये हमारे लिए लजीज टिक्का तैयार हो जाएगा। ये तीन चिकन है, ये तीन चिकन है और इसके अंदर एक और मैंने दही डाली है। ठीक है। और इसके साथ एक डेढ़ टेबल स्पून चाट मसाला है और डेढ़ टेबल स्पून चार गोश्त मसाला डाला है। ठीक है। और डेढ़ टेबल स्पून मैंने टिक्का मसाला डाला है। अच्छा। और हाफ टेबल स्पून मसाले लाल मिर्च नमक ये वगैरह डाले हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने लेमन डाले हैं। हाँ। और सिरका डाला है। वेरी गुड। और थोड़ा सा सोया सॉस डाला है। ठीक है। तो इसको मैरिनेट करके रात पड़ा रहा है। अभी हम इनको सीखों पे आपने परो रही हैं। अभी सीखों पे इसको लगा रहा हूँ जी, और फिर हम रीटी पे इसको बारबेक्यू कर लेंगे। शुक्रिया जी बहुत बहुत। ये देखिए नाज़रीन, ये सीख पे जो परोए गए थे बोटियाँ सारी, ये अब कोयले के ऊपर चारकोल के ऊपर बारबेक्यू की तरह इसको बनाया जा रहा है और ये हल्के हल्के ब्राउन हो रही हैं। और ये देखें इसको वक्त के साथ साथ ऐसा ऐसा घुमा रहे हैं ताकि एक साइड पकने के ऊपर दूसरी साइड पकनी शुरू हो जाए और ये लजीज तरीन टिक्के हमारे लिए तैयार हो जाए। आप भी ट्राई कीजिएगा और इसका लुत्फ़ उठाइएगा। नाज़रीन, ये चिकन टिक्का के साथ एक पुदीने की चटनी मज़ेदार सी बनी हुई है जो कि मेरी कज़न सिस्टर ने बनाई है। हम उनसे पूछेंगे कि इसमें इन्होंने क्या क्या लवाजमात डाली हैं जो कि ये मज़ेदार चटनी हमारे लिए तैयार हुई है। जी आप बताना पसंद करेंगी कि इसमें ये बेसिक है जी, बिल्कुल ही इसमें धनिया पुदीना सब्ज़ मिर्च और इसको थोड़ा सा हमने इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ डाली है बादाम। अच्छा। कभी कभी हम अखरोट भी डाल देते हैं लेकिन आज हमने बादाम डाली, मूंगफली डाली है। तो मूंगफली को आप साथ ही ग्राइंड करके इसके अंदर डालें और एंड में इसको आप हसबे जायका आप डाल लें। इसके अंदर नमक आपने डालना है या मिर्च डाली है, वैसे हम नहीं डालते, हम खाली नमक काली मिर्च डाली और सब्ज़ मिर्च डाली। वेरी गुड। बिल्कुल बेसिक है, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आपको पता है कि ये ब्लड प्रेशर को नीचे भी करता है और आपकी जो नालियाँ बंद हैं खून की वो भी। लहसुन भी हम जरूर डालते हैं, थोड़ा सा लहसुन भी डला हुआ है। जी जी। तो ये तो आपको पता है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो हर खाने में दोपहर के वक्त चटनी लाजमी होती थी। हमने exactly, छोड़ दी आजकल के दौर में जो है ना लोगों ने ये छोड़ दिया हुआ है। मगर मैं भी अक्सर मैं बनाता हूँ ना तो मैं भी यही तीन चार चीजें इस्तेमाल करता हूँ, मगर मैं इसमें थोड़ा सा जीरा भी ऐड करता हूँ। अच्छा। हाँ, पाउडर जीरा, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। तो हमने वैसे आज जीरा डाला है। अच्छा। पिसा हुआ हमने सफेद निकाला, सफेद सफेद जीरा डाला, थोड़ा सा डाला हुआ। ठीक है। कोकोनट पाउडर भी डाला है। वेरी गुड। अच्छा, ये एक नई एडिशन है, ये मैंने कभी ऐसे इस्तेमाल नहीं। कोकोनट पाउडर के साथ भी जब आप टेस्ट करेंगे तो आप इंशाल्लाह आज एंजॉय करेंगे। हाँ। आपकी बर्थडे के ऊपर आपको फिर एक दफ़ा मुबारक हो अपनी सालगिरह। और ये मेरे ख्याल आपने साथ में मक्खन भी रखा हुआ है, ये घर का मक्खन है जो कि हम आपके मकई की रोटी और साग के साथ खाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू।